फिर मेरा घड़ा कैसे उठेगा? बोली घड़ा, घड़ा से तो हम हाथ भी नहीं लगाएंगे। हरिश्चंद्र बोले, तारा ऐसा न कहो। अरे बनिया उठ भाई दे, और तारा उठ भाई दे, जब बात दिया है तारा। अरे दिन छत्तीस हुई है मेरी प्यारी, मिलो न कल से पानी। उसी समय तारा बोली, महाराज तुम्हारे हाथ में ब्राह्मण का, मेरे हाथ में ब्राह्मण का घड़ा है, तुम्हारे हाथ में मेहतर का घड़ा है। तुम्हारे घड़ा को छू भी लिया मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। हरिश्चंद्र बोले, क्या तुम मेरी पत्नी नहीं हो? बोले पत्नी तो है, पत्नी होने के नाते हम तुम्हें एक उपाय बता रहे हैं। गहरे में घुस जाओ तो घड़ा उठ जाएगो, थोड़ो सहारो पानी को लग जाएगो, जल में जाओ, जल तुम्हारे सीने तक आए, उठाना घड़ा सर पे रख लेना, बहुत कम ताकत लगेगी। इतना कहने के बाद तारा सीधी निकली गई। हरिश्चंद्र देखते ही रह गए। ज्यों त्यों करके घड़ा उठाया, सर पे रखा, बाहर निकले, ठोकर लगी, गिर गए, घड़ा वही टूट गया और खाली हाथ पहुंच गए मेहतर के सामने। मेहतर ने देखा, हरिश्चंद्र अब आए हो, घड़ा कहाँ है? दोनों हाथ जोड़े, महाराज घड़ा तो टूट गया, दो पैसे का काम नहीं, ऊपर से नुकसान, आज ये तुमने घड़ा तोड़ दिया, इसी बदले में तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। हरिश्चंद्र बोले, भोजन मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने तुम्हारा नुकसान किया है और तुमसे कुछ नहीं होगा। अब हाथ में लाठी उठाओ, मरघट में जाओ, मरघट की रखवाली करो, और ध्यान रखना कोई भी मुर्दा बिना कर का टका लिए जल नहीं जाए। हरिश्चंद्र मरघट में चले गए, मरघटिया बन गए। आप वहां देखे ना, तारा रह रही थी, सुखदेव समझाते ही। एक दिन पंडित जी बहुत नाराज हुए, जवाब दिया है तारा, तेरा बच्चा बड़ा ही शैतान हो गया है, सारे दिन लड़कों में खेलने के अलावा कोई काम ही नहीं करता है। अरे इतना तो उससे कहो कि समय से पूजा के लिए फूल तो लाए, डेढ़ घंटा से बैठे बैठे चिल्ला रहे हैं, पता ही नहीं कहां चला गया। पंडित जी चले गए। थोड़ी देर के बाद में रोहितास आया। तारा बोली, लाला कहाँ चले जाते हो? तुम्हें पता नहीं है, पंडित जी नाराज हो रहे थे, हम लोग यहाँ पे स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है, तुम ऐसा करो बाग के लिए चले जाओ, फूल ले आओ। बोली, अरे लाला मेरे
बाग के लिए गई, हाथ में डलिया उठाया। बाग में जैसे ही पहुंचे हैं, उससे पहले विश्वामित्र पहुंच गए। कोई बात नहीं रोहतास, बाग के लिए जा रहा है, चलो हम तुमसे पहले पहुंच रहे। और बाग में सरफ बन के झाड़ी में बैठ गए। रोहितास ने देखा कितना सुंदर फूल है, इसे मैं लेके जाऊंगा, पंडित जी बड़े खुश हो जाएंगे। विश्वामित्र सोच रहे बढ़ाओ आगे, तैयार बैठे आओ। आगे के लिए जैसे ही बढ़े, उंगली में डस लिया। अब ब्राह्मण बन के काशी में आवाज लगा दी। काशी के लोगों किसी का बड़ा सुंदर बच्चा था, रोजाना बाग में फूलों के लिए जाता, आज उसे सर्प ने डस लिया है, जिस किसी का हो उठा लाए। तारा ने जैसे ही सुना, एकदम से दौड़ी और जैसे ही भागता हुआ देखा है, आवाज लगाई पंडित जी ने, तारा कहां भागी? जवाब दिया है, मेरे बच्चे को सर्प ने डस लिया। हाँ तो मर छोड़ा ही गया, अभी सर्प नहीं तो डसाया, पहले भोजन बनाओ, भगवान का भोग लगाओ, उसके बाद में जाना। भोजन बनाने लगे। तुलसीदास कहते हैं, पराधीन सपने सुख नाही, ओकर विचार देखो मन माही। भोजन बनाया, भगवान का भोग लगाया, बोली अब चली जाऊं, बोले हाँ अब जा, लेकिन मर गया हो तो इधर उठा के मत लाना, वहीं फेंक देना। भागती पहुंच गई बाग में, वहां पहुंची है जहां पे लाश के रूप में पड़ा है, पैर पटक रहा है, मुंह से झाग निकल रहा है। और तारा ने जैसे ही देखा, बोले क्या हो गया मेरे लाल? रोहितास बोले मैया अब आई हो। तारा रोने लगी तो रोहितास बोला मां रो नहीं, प्यार जननी दियो। ज्यादा देर तक श्वास नहीं ठहरेगी मैया। अरे सुख दुख की जो कछु कहरी सो जननी वो से कहले। इतनी कही के रोहितास ने छोड़े अपने मान। मैया मिल घर रही गई गोदी से रख देता।